क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. द अदर डे व्हेन आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, ऐसा क्यों है कि हमारी जनरेशन में हमें लैक ऑफ फोकस और इनकंसिस्टेंसी, एक नॉन सीरियस एटीट्यूड देखने को मिलता है? वी वॉन्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वी वॉन्ट रिकग्निशन, वी वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज्ड, और ये सब चीज़ें हमें सेल्फिश बना रही हैं. सो कुड यू प्लीज टेल द ऑडियंस व्हाट यू टोल्ड मी? अच्छा, जो हम बात कर रहे थे वो बेसिकली एक सबसे पहले इस इनकंसिस्टेंसी के इशू को समझाने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा कि क्यों आ रहा है इस जनरेशन के साथ इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम, कि वो तसलसल के साथ कोई चीज़ क्यों नहीं करते हैं और एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ क्यों जंप करते हैं. आई थिंक हमें समझने की ज़रूरत है बैक एंड से कि तीन बेसिक जनरेशन रही हैं. एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा है, जो आप अपने दादा या ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से ले लें, जहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान एक बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने की एक रिक्वायरमेंट थी. देन केम द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, गाड़ियाँ बेहतर करना, घर को बेहतर करना, ये सब चीज़ों की एक स्टेज आई. तीसरी स्टेज थी बेसिकली करंट जनरेशन, जहाँ पर उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ उनके फोर फादर्स ने पूरी कर दी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उनके पेरेंट्स ने वो कर दिया. नाउ दे आर नॉट लुकिंग फॉर बेसिक नेसेसिटीज़, वो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख रहे हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करने की कर रहे हैं. जहाँ जहाँ उनको बेहतर क्वालिटी नज़र आती है उसकी तरफ वो जंप करते हैं. नाउ इस चीज़ के साथ साथ एक प्रॉब्लम बेसिकली ये आई है कि लोगों के अंदर इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो गई है. कुछ चीज़ों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहते हैं, कि मैं अगर प्रोफाइल बनाऊं फेसबुक पे तो इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल जाए, टिकटॉक बनाऊं तो उस पर इंस्टेंट पहुंच जाए, खाना बनाऊं तो इंस्टेंट बन जाए. इसी तरह से इंस्टेंट रिवॉर्ड के चक्कर में वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जंप करते हैं. आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू द करंट जनरेशन कि देखिए, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन ऑर्डर टू सी लास्टिंग रिवॉर्ड्स. मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाएंगे, आपने एक घंटा एक्सरसाइज की, क्या आपको रिजल्ट नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा. आप दूसरे दिन जिम जाते हैं, आपको क्या रिजल्ट नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा. तीसरा, चौथा, पांचवा दिन, एक महीने बाद आपको रिजल्ट नज़र आएगा. इट्स नॉट दैट 20 मिनट्स और 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज विच इज़ गिविंग यू रिजल्ट, बट द कंसिस्टेंसी के साथ जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू गिव यू रिजल्ट. इन द सेम वे रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, कंसिस्टेंसी इज वॉट प्रोड्यूसेज दैट लव. The consistency of being able to give, respect, maintain that relationship, at the same thing, आपके work में आप काम करते हैं, आपने consistency के साथ अपने काम में effort लगानी होती है, which eventually makes you rise on the top. Impatience, बेसब्री is actually why आज की generation constant reward के चक्कर में jump कर रही है, and they want quick rewards. जब वैल्यू अंडरस्टैंड करेंगे, दे विल होल्ड ऑन टू थिंग्स, दे विल अप्रिशिएट थिंग्स, अदरवाइज नथिंग विल मेक देम हैप्पी. एंड ये चीज़ों से लेकर इंसानों तक भी ट्रांसफर हो जाता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, व्हाई दिस जनरेशन इज बेसिकली इनकंसिस्टेंट विद थिंग्स, बिकॉज दे एक्चुअली लुक फॉर क्वालिटी. चाहे वो सस्ता मोबाइल होगा, उनको उसमें भी क्वालिटी आ जाएगी विच इज़ अफोर्डेबल. दे गोइंग टू लुक फॉर कार्स विच इज़ गोइंग टू गिव यू दैट क्वालिटी, एंड दे आर गोइंग टू कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स मोर क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स. इसीलिए वी नीड टू बी एबल टू नरिश देम विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू गोइंग टू गेट हाई क्वालिटी इन एवरी थिंग. एट टाइम्स यू नीड टू बी एबल टू गिव out to certain things to make things around you more better. मैं example देता हूँ. आज की generation दादा दादी के साथ बैठना नहीं पसंद करेगी. In fact, वो उस mobile में busy रहना पसंद करेगी because उसको वहाँ से response मिल रहा है. वो ये बोलेगी कि मैं इतनी मेहनत करके माँ बाप के साथ इसमें और दादा दादी के साथ क्यों बैठूँ, because वहाँ पर तो मुझे appreciation नहीं मिलती, recognition नहीं मिलती, but मैं एक तस्वीर डाल देता हूँ या डाल देती हूँ तो मुझे instant response मिलता है. And that is why we need to understand that we need to appreciate our children as well. We need to make them understand that the real quality lies in working for things which are going to stay for longer. Family values, good, trustworthy friendship. We need to understand a relationship based on
piety, taqwa, and love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, overlooking each other's mistakes. These are the real qualities which our younger generation needs to look towards, rather than short-term things on the basis of quality. Ek video dal diya, 10 din baad log bhul jayenge. Ek tasveer dal di, 5 din baad log bhul jayenge. You would have to work for another process to be able to gain that momentum and reputation ko maintain karne ke liye again aapne mehnat karne ki zarurat hogi. So look for real quality, look for things which are more lasting, and like we say, the real thing which lasts is basically your relationship with your God. And when everything is under that umbrella, everything is meaningful, because at the end of the day, friendships are going to go away, these relationships are going to go away. What is going to remain is what is going to be for Allah subhanahu wa ta'ala.